राजवाड़े के ठीक सामने लेक बना है और लेक के ही सामने ही मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर, ओल्ड है। राजवाड़े के ठीक सामने लेक बना है और लेक के ही सामने ही मंदिर है, देखिए बहुत ही खूबसूरत मंदिर, ओल्ड है। राजवाड़े के जो विंडोज है एंड जो डोर्स है, जो मेटल की शीट आती है जो छत के ऊपर डालते हैं, उससे वो कवर कर चुके हैं क्योंकि अंदर कोई घुस ना सके और अंदर जो भी है, मतलब अंदर की जो खूबसूरती बर्बाद ना कर सके। ये देखिए जो मेटल की शीट है उससे वो लोग कवर कर चुके हैं। ये भी सेम कर चुके हैं, विंडोज़ के ऊपर ना मेटल की शीट से कवर कर चुके हैं ताकि अंदर कोई घुस ना पाए। उसके अंदर कोई जा ना पाए भाई साहब। एंड ये वाला जो एंट्रेंस वाला है, ये एक्चुअली लगभग टूटने ही वाला है। ये देखिए पुराना है ना, इसलिए भाई डर भी बहुत लगता है। ओल्ड होस्ट होस्ट ना रहे जो अंदर, जमाने में ना इतने टेक्निक के साथ सोचते थे कि यहाँ पे मतलब राजवाड़ा बना है, वो मंदिर होगा, उसके सामने वो बड़ा सा वाटर सा लेक होगा, ने जो कि मतलब जो गार्ड रहते थे उस ज़माने के, तो शायद उनके लिए बने होंगे या फिर कुछ रखने के लिए। उधर एक मतलब एक वाड़ा जैसा है, वहाँ पे भी सेम कर चुके हैं। देखिए हर डोर पे, हर विंडो पे ना मेटल शीट से कवर कर चुके हैं क्योंकि अंदर कोई आ ना सके। देखिए देख रहे हो आप अंदर ही क्या कुछ, देख रहे हो स्टेप्स कैसे हैं, सभी उड़न गए मतलब। ये क्लोज किया है क्योंकि स्टेप वगैरह उड़न के बहुत पुराने ज़माने के, अंदर ऊपर चढ़ेंगे तो टूट जाएंगे वगैरह, इसलिए भी हो सकता है कि क्लोज कर चुके होंगे। ये देखिए रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए, सन से प्रोटेक्ट करने के लिए विंडोज़ के ऊपर ना ऐसे कवर किया जाता है। देखिए लिखा है, देखिए इसके ऊपर राजाराम विल्ला 1935 में, देखा इतना पुराना है भाई, 1935 का है राजाराम विल्ला। वहाँ पे भी कुछ
तो विजिट कीजिए, खूबसूरत प्लेस तो खूबसूरत ही है। थोड़ा सा मतलब यहीं पर भी लेकर चलता हूँ मैं आपको अंदर, देखते हैं अंदर किस क्या। एंट्रेंस है जो अभी लकड़ियों का बना है, इसलिए इन लोगों ने अंदर एंट्री करने के लिए मना किया है, क्योंकि टूट भी गिर सकता है ना भाई।